dry frizzy hair. 1, 2, 3, 4. 4 step or pie smooth silky hair. Hey guys, welcome back to my channel. मैं शिवानी, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शिवीटॉक्स में. तो आज की जो वीडियो है वो है टोटल वीकली हेयर केयर के ऊपर. इसमें मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम चीज़ें यूज़ करें, बट जो जो चीज़ मैं यूज़ करके दिखा रही हूँ वो आप वीकली नहीं तो कम से कम 15 डेज पे एक बार ज़रूर करें और इफ़ेक्ट देखें. तो आप लोग हो सकता है कि आगे चल के मेरे लिपस्टिक की शेड पूछोगे. तो ये लिपस्टिक है इनसाइट की सनसेट रेड, इसकी जो है नंबर 9 है. अंडर 100 रुपीज़ की ये बेस्ट लिपस्टिक मुझे लगी. ये सच में ट्रांसफ़र नहीं होती है, और एक बात कि ये बहुत देर तक स्टे करती है. ये वाटरप्रूफ है, हाँ ये एकदम से है. तो इसकी मैंने एक शॉर्ट भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखा तो शॉर्ट जाके आप ज़रूर देखना. तो चलिए लेट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम करेंगे ऑयलिंग. तो ऑयलिंग के लिए जो मैंने ऑयल बनाया है ये आपको सेपरेट अलग वीडियो आएगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती. तो ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, आप वीकली 3 बार करें या फिर इतनी गर्मी है तो आप वीक में एक बार करें, पर बहुत ज़रूरी है. जो भी ऑयल आपको पसंद है उससे आप ऑयलिंग ज़रूर करें, इससे आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है. इसके बाद ऑयलिंग आप रात भर रखो या फिर थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब आप शैम्पू कर रहे हो तो अच्छे से पहले क्लीन करो ऑयल को, उसके बाद हमें करनी है शैम्पू. शैम्पू के लिए मैं ले रही हूँ लॉरियल टोटल रिपेयर 5 शैम्पू. आप चाहो तो कोई भी अपनी पसंद की शैम्पू ले सकते हो, उसे आपको वाटर के साथ मिक्स करके तभी यूज़ करना है, डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है. उसके बाद आपको अच्छे से मसाज करनी है और फिर उसे अच्छे से वॉश कर लेनी है. अब मैं टोटल रिपेयर 5 की ही कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ. अगर आप सेम जो शैम्पू यूज़ कर रहे हो उसी की ही सेम आप कंडीशनर और सीरम यूज़ करते हो तो बालों के लिए और ज़्यादा बेनिफिट होती है. तो आप चाहो तो पैराबेन फ्री नेचुरल वाली शैम्पूज़ भी यूज़ कर सकते हो. आपको रैप करने के लिए कॉटन की टॉवल या कॉटन की टी शर्ट चाहिए, फाइबर वाली या फिर सिंथेटिक वाली कोई या मोटी वाली हार्श टॉवल नहीं यूज़ करनी है. अब मैं यूज़ कर रही हूँ सीरम, ये भी लॉरियल की टोटल रिपेयर 5 हेयर सीरम है. ये आप थोड़ी सी लेना है आपको और ओनली टिप्स पे अपने और लेंथ पे अपने अप्लाई करनी है. उसके बाद आप देख सकते हैं रिज़ल्ट. हल्की सी मैंने हेयर को स्ट्रेट की है तो आप देख सकते हो कि कैसी लग रही है. होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी. तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल लगी होगी. अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो मेरे को लाइक करते जाना, आगे शेयर करते जाना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाना, बेल नोटिफिकेशन रिंग को भी प्रेस करते जाना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.